हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार पित्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पहले के दो लेक्चर में हमने अध्याय एक और अध्याय दो कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम अध्याय तीन यानी स्थावर संपत्ति के विक्रय और अध्याय चार स्थावर संपत्ति के बंधक से संबंधित टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का वीडियो चालू करने से पहले यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, पिछले लेक्चर से मैंने आपसे कहा था, आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा रहा, उसके लिए धन्यवाद। तो यदि आपको वीडियो ऐसे ही पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर थ्री यानी अध्याय तीन, जिसमें आपका सेक्शन 54 से लेकर के 57 यानी धारा 54 से लेकर के आपका धारा 57 तक कवर होते हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट धाराओं या सेक्शन को पढ़ेंगे। देखिए ये क्या बोलता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी यह स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित है। स्थावर संपत्ति के विक्रय यानी अचल संपत्तियों के विक्रय से संबंधित है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए ये लागू किस पे होता है, ये लागू होता है आपके केवल स्थावर संपत्ति पर। किस पर लागू हो रहा है, स्थावर संपत्ति पर। देखिए हो सकता है आपसे पूछ लिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत किन संपत्तियों का विक्रय किया जाता है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चल अचल दोनों, तो या इनमें से कोई भी नहीं, तो उसमें आप लगाइएगा स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी या आपका अचल संपत्ति। ठीक है, इसलिए आपको एकदम अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत किस मतलब जो अचल संपत्ति है उसका ट्रांसफर कैसे होता है, अंतरण। देखिए अंतरण मतलब ट्रांसफर, सेल के अंतर्गत हम बात किसी कर रहे हैं, विक्रय की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा जो चैप्टर थ्री है ये आपके अचल संपत्तियों के विक्रय या सेल से डील करता है। देखिए अंतरण ट्रांसफर, ये सेल के अंतर्गत अचल संपत्तियों का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, तो याद रखिएगा सेल के अंतर्गत जो ट्रांसफर होता है वो अचल संपत्तियों के स्वामित्व का ट्रांसफर होता है, अंतरण का ट्रांसफर, सॉरी ऑनरशिप का आपका ट्रांसफर होता है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्तियों का जो विक्रय होता है तो विक्रय में अचल संपत्तियों का आपके स्वामित्व का अंतरण होता है यानी ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। देखिए दो तीन चीज समझाना, उसे समझिएगा। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल। सेल में यदि प्रॉपर्टी, देखिए हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आपके सेल के केस में यानी विक्रय के केस में अचल संपत्तियों को यदि बेचा जा रहा है तो उस केस में आपका स्वामित्व, उस संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे मॉर्गेज, मॉर्गेज यानी उसको बताऊंगा बंधक। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, तो मॉर्गेज के केस में आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। इंटरेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, आपका वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, ये दो इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही आपके मॉर्गेज के केस में आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। फिर आता है आपका पट्टा, पट्टा यानी लीज। पट्टा के केस में आपका राइट्स यानी अधिकारों का ट्रांसफर होता है, अधिकारों का अंतरण होता है। तो ये तीन चीज है, उसे अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब आपका ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें किस चीज का ट्रांसफर होता है या किस चीज का अंतरण होता है पूछा जाए, तो याद रखिएगा स्थायी संपत्ति, सॉरी स्थावर संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनरशिप या स्वामित्व का अंतरण होता है। ठीक, देखिए ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, ऑनरशिप इसमें तीन चीजें एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती है। एब्सोल्युटली ट्रांसफर मतलब पूर्णतः कंप्लीट रूप से क्या क्या चीज ट्रांसफर होती है, एक इंटरेस्ट, वही आपका वेस्टेड और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट मतलब इससे जुड़े हुए हित लाभ, दूसरा राइट्स अधिकार, उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी अधिकार है वो सारे के सारे चीजें ट्रांसफर हो जाती है, और तीसरा है आपके लाइबिलिटीज यानी देनदारियां। यदि आप किसी को स्थावर संपत्ति बेचते हैं, देखिए संपत्ति बेच रहे हैं यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर इस केस में भी हो रही है, तो जब आप किसी को अचल संपत्ति बेचते हैं तो उस संपत्ति से जुड़े सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार के हित, उससे जुड़े सभी प्रकार के अधिकार और सभी प्रकार की देनदारियां ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। ये चीज हम आगे ही पढ़ेंगे कि मॉर्गेज के केस में क्या होता है, लीज के केस में क्या होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती है पूर्णतः। ठीक, एसेंशियल एलिमेंट क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के कंडीशन में, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, जाहिर सी बात है एक सेलर होगा, एक बायर होगा। सेलर मतलब विक्रेता, बायर मतलब क्रेता, सेलर और बायर का होना जरूरी है, लेकिन इसका एक कंडीशन है। देखिए ये जो सेलर है
सेलर, सेलर की एबिलिटी क्या होना चाहिए, सेक्शन 7 हमने पढ़ा था, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या एबिलिटी होती है, कौन व्यक्ति पात्र है। तो उसमें हमने दो चीज पढ़ा था, एक तो मेजर होना चाहिए यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, और दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए। तो वही चीज इसमें बताया है कि जो इसके एसेंशियल एलिमेंट है उसमें जो सेलर है यानी जो विक्रेता है वो सेक्शन 7 के अंतर्गत जो सक्षम होने का जो क्राइटेरिया है, जो एबल होने का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना चाहिए, यानी 18 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए और दूसरा आपका साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक, भले जो आपका बायर है यानी जो क्रेता है, जो खरीदार है, वो माइनर होगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है वो पागल है, तो पागल व्यक्ति क्या अपने होशो आवास में भी प्रॉपर्टी बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। तो देखिए, आप कभी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आप एक शब्द सुनते होंगे कि मैं अपने पूरे होशो आवास में अपनी प्रॉपर्टी इसको बेच रहा हूं। जब कोई व्यक्ति पागल है या कोई कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है जो अपना खुद का जवाबदारी नहीं संभाल सकता तो अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेचेगा। तो वही कंडीशन इसमें बताया है कि जो सेलर है वो सेक्शन 7 के अंतर्गत जो क्राइटेरिया बताया गया है सक्षम होने का, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जो सक्षम होने का क्राइटेरिया बताया गया है उसे फुलफिल करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए यानी दिवालिया यानी पागल नहीं होना चाहिए, पागल या मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए। ठीक, जो बायर है, जो क्रेता है, वो माइनर हो सकता है, यानी समझ लीजिए आपके पिताजी आपके लिए कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे खरीद रहे हैं, तो यानी क्रेता अगर 18 वर्ष से कम आयु का है यानी माइनर है तो चलेगा, लेकिन जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो 18 वर्ष से अधिक आयु का और साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत धारा 7 सेक्शन 7 में जो क्राइटेरिया बताया गया है उसे फुलफिल करना चाहिए। ठीक, अब देखिए किस प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को इसके अंतर्गत सेल किया जा सकता है, ये जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के अंतर्गत किस प्रकार के इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, शुद्ध हिंदी में बात करें तो मूर्त, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं मतलब कोई जमीन है या कोई मकान है, मकान इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसे देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल यानी अमूर्त, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप देख और छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ये सारे अमूर्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चैप्टर 3 के आपके सेक्शन 54 के अंतर्गत आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो टेंजिबल और इनटेंजिबल है दोनों का आप सेल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें पे किस प्रकार का किया जाएगा यानी भुगतान किस प्रकार का किया जाएगा। इसमें जो भुगतान है वो तुरंत भी पेड किया जा सकता है और प्रॉमिस भी किया जा सकता है, यानी मैं आपको भविष्य में इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसे टाइप का जो है। ठीक, तो ये पेड भी हो सकता है, दूसरा प्रॉमिस भी हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर किस प्रकार का होगा, इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि यदि कोई आपकी अचल संपत्ति है यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 100 रुपए या उससे अधिक है, 100 रुपए या उससे अधिक है, तो इस कंडीशन में आपका जो ट्रांसफर होगा वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा। ट्रांसफर आपके रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस इसके अंतर्गत लिखित होगा, उसके लिए एक एग्रीमेंट होगा, ये होता है आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो याद रखिएगा 100 रुपये से अधिक कीमत की है, वैसे आपको कई जगह शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिखने के लिए मिलेगा कि जो भी 100 रुपये से अधिक संपत्ति का है उसमें आपका जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी लिखित और एग्रीमेंट के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक, तो इतना सारा चीज़ याद रखिएगा, इतने में आपका चैप्टर 3 खत्म। देखिए चैप्टर 3 में आपका 54, 55, 56, 57 चार सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है केवल 54। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका, पहली बात किस चीज का विक्रय होता है, अचल संपत्तियों का विक्रय होता है, और इसके अंतर्गत किस प्रकार का ट्रांसफर होता है, अचल संपत्तियों के स्वामित्व का यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है। ये दो चीजों को स्पेशली याद रखना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट आपका चैप्टर 4, चैप्टर 4 जिसमें बताया गया है आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज और चार्जेस के बारे में, यानी अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति के बंधक और भार से संबंधित है। अब ये मॉर्गेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसे समझिएगा। मॉर्गेज यदि आप कोई भी बुक प्रीफर कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा मॉर्गेज के लिए, बंधक।
एक्चुअल मीनिंग अगर हम शुद्ध या साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो मॉर्गेज का मतलब याद रखिएगा गिरवी। किसी अचल संपत्ति को यदि आप गिरवी रख रहे हैं तो उसे कहा जाता है हिंदी में बंधक, यानी इस संपत्ति अंतरण अधिनियम के लिए अंतर्गत उसके लिए बंधक वर्ड यूज किया गया है, और इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्गेज। गिरवी शब्द इसमें यूज नहीं किया गया है। मैं आपको साधारण बोलचाल की भाषा में या आपको समझाने के लिए इस वर्ड का यूज करूंगा बीच बीच में, लेकिन याद रखिएगा जहां कहीं पर भी मैं आपको गिरवी शब्द बोलूंगा वहां पे आप बंधक शब्द यूज कीजिएगा, या बुक में दिया गया है बंधक करके। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 58 या धारा 58। देखिए फिर से, ये किन संपत्तियों पर लागू होता है? तो याद रखिएगा ये स्थावर संपत्ति पर लागू होता है। इसको बार बार बताने का कारण ही यही है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार की संपत्तियों का बंधक रखा जाता है, तो याद रखिएगा स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। ठीक, चल पूछे, अचल पूछे, चल अचल दोनों पूछे या इनमें से कोई भी नहीं, तो उसमें आपको स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी लगाना है। दूसरा, इसमें किसका ट्रांसफर होता है, किसका अंतरण होता है, तो स्थावर संपत्ति से जुड़े हुए हित का अंतरण होता है। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं कौन कौन सा, वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, तो वही है ये आपका ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी उस संपत्ति से जुड़े हुए हित या उस संपत्ति से जुड़े हुए लाभ, वैसे लाभ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उस संपत्ति से जुड़े हुए हितों का अंतरण होता है। तो याद रखिएगा सेक्शन 58 में यह बताया गया है कि बंधक या मॉर्गेज के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, यानी अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति से जुड़े हुए हितों का अंतरण होता है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, एक है आपका मॉर्गेजर, दूसरा है आपका मॉर्गेजी, और एक है आपका मॉर्गेज डीड। इसे याद रखना है, मॉर्गेज डीड। ठीक, मॉर्गेजर, मॉर्गेजर कौन होता है? जो अपनी संपत्ति को गिरवी रखता है, अपनी संपत्ति को गिरवी रख करके उसके एवज में पैसा लेता है। मॉर्गेजी कौन होता है? जो किसी के संपत्ति को गिरवी ले करके उसके बदले में पैसा देता है। समझिएगा, मॉर्गेजर जो अपनी संपत्ति को गिरवी रख करके उसके एवज में पैसा लेता है, मॉर्गेजी जो किसी संपत्ति को गिरवी ले करके उसके एवज में पैसा देता है, और मॉर्गेज डीड ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन या एग्रीमेंट होता है। जो भी संपत्ति को जो गिरवी में रखा जा रहा है तो वो दो आपके मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के मध्य जो आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, उसका ये एक लेखा जोखा है, लेखा जोखा डॉक्यूमेंटेशन या एग्रीमेंट है, जिसका हिंदी वर्डिंग इसमें यूज होता है ऋण संविदा। आपको उसमें जो भी आप बुक प्रिफर कर रहे हैं उसमें आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ऋण संविदा। ठीक, मॉर्गेज डीड, देखिए अब कई प्रकार के आपके ये मॉर्गेज होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से प्रॉपर्टी का इस मॉर्गेज के अंतर्गत ट्रांसफर किया जाता है, अलग अलग प्रकार से प्रॉपर्टी को बंधक बनाया जाता है, मतलब बंधक में रख करके पैसा दिया जाता है। देखिए, एक है आपका सादा बंधक यानी सिंपल मॉर्गेज, दूसरा है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तीसरा है आपका भोग बंधक मींस यूजियो फैक्ट्री मॉर्गेज, एक है आपका अंग्रेजी बंधक मींस इंग्लिश मॉर्गेज, एक है आपका हक विलेखो के निक्षेप द्वारा बंधक यानी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एक है आपका विलक्षण मॉर्गेज मींस एनोमियस मॉर्गेज। देखिए अब ये होता क्या है, ये एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, इस एलिमेंट को ध्यान में रख करके आप इस टाइप्स को समझिएगा। सबसे पहली बात, क्या क्या होना चाहिए? मॉर्गेज होना चाहिए और एक मॉर्गेजी होना चाहिए। देखिए, मॉर्गेज और मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के मध्य एक मॉर्गेज डीड रहता है। ठीक, उस मॉर्गेज डीड में यह मेंशन रहता है, ये जो आपका सादा बंधक है यानी जो सिंपल मॉर्गेज है, इसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता। यानी मान लीजिए ये जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर एक अमाउंट अपनी संपत्ति को वो गिरवी रख नहीं रहा है, यानी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बस एक ऐसा एग्रीमेंट इनके मध्य साइन होता है। देखिए मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़िएगा, लेकिन अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ गए तब आपको बुकिश लैंग्वेज पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप उसको साधारण भाषा में समझिए, उसके बाद फिर बुक में जाकर पढ़िएगा। देखिए, सादा बंधक या सिंपल मॉर्गेज के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे प्रॉपर्टी, आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया, किस एवज में? कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है,
इस प्रॉपर्टी के एवज में आपने किसी के पास से पैसा उधार लिया, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया, यानी इसने मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से एक पैसा आपका उधार लिया, ठीक, किस एवज में कि इसके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को इसने मॉर्गेजी को ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक। अब इसके बाद उसमें एक डेट डिसाइड होता है कि इस डेट तक मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। लेकिन देखिए, अगर उस निर्धारित तिथि तक अगर उसने पैसा पेड कर दिया, पैसा दो कंडीशन होगा, या तो पैसा पेड कर देगा या तो नहीं कर पाएगा। यदि उसने पैसा पेड कर दिया, ठीक, पैसा पेड कर दिया तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हुई ही नहीं थी, बस प्रॉपर्टी को एक दिखाया गया था कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, जिसके आधार पर आप भविष्य में कोर्ट में मेरे खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए, अगर पेड कर दिया तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, टोटल रिटर्न हो जाएगा। यदि असफल हो गया या फेल हो गया, है ना, यदि वो पैसा देने में असफल होता है, तो इस कंडीशन में ये जो मॉर्गेजी है, जिसने पैसा उधार दिया था, वो इसकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लेकिन न्यायालय की मदद से, कोर्ट की मदद से। आपको ये याद रखना है, कोर्ट, देखिए मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से पैसा लिया तो है, उसमें बताया भी है कि मेरे पास ये संपत्ति है, अगर मैं पैसा नहीं लौटा पाया तो बाद में आप इस संपत्ति के आधार पर मेरे ऊपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए अगर उसने पैसा पटाने में असफल होता है, तो जो आपका ये जो मॉर्गेजी है, जिसने पैसा उधार दिया था, वो इसकी संपत्ति को बेच सकता है, लेकिन कोर्ट की मदद से। क्यों? क्योंकि इनके मध्य प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो हुआ नहीं था, प्रॉपर्टी को उसने ट्रांसफर किया ही नहीं था, लेकिन चैलेंज जो इनके मध्य मॉर्गेज डीड में जो आपका कंडीशन लगा हुआ था कि अगर मैं नहीं आपका पैसा दे पाया तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके मॉर्गेजी को कोर्ट की मदद लेनी आवश्यक है, ठीक। तो ये है आपका सादा बंधक। नेक्स्ट है आपका सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। देखिए इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, विक्रय यानी एक कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसमें विक्रय हो रहा है। देखिए मॉर्गेजर जो कि एक अपनी प्रॉपर्टी के एवज में मॉर्गेजी से पैसा लेता है, ठीक। देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, ऑस्टेंसिबल सेल। पहली बात तो ये आपका ये विक्रय हो रहा है, कैसा विक्रय है, सशर्त विक्रय है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का जो सेल हो रहा है, देखिए इसमें ये क्या करता है, मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है, अपनी प्रॉपर्टी को सीधा गिरवी नहीं रख रहा है, बेच रहा है। किस प्रकार से बेच रहा है, ऑस्टेंसिबल सेल। ऑस्टेंसिबल सेल हम पहले पढ़े हैं, याद है, ऑस्टेंसिबल ओनरशिप सेक्शन नंबर 41 धारा 41 के अंतर्गत हमने एक दृश्यमान मालिक या दिखावटी मालिक पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने फादर और सन का एक एग्जांपल लिया था कि आपके पिताजी आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और आपके नाम से खरीदी और बिक्री कर सकते हैं, तो आपके पिताजी ऑस्टेंसिबल ऑनर होते हैं, तो वही केस है। इसमें मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को बेच देता है, लेकिन किस प्रकार से बेचता है, ऑस्टेंसिबल सेल प्लस इसमें क्या बोला है? देखिए सशर्त विक्रय यानी एक कंडीशन के साथ बेचता है। वो कंडीशन क्या होता है, देखिए इसमें एक डेट डिसाइड होता है कि अगर उस निर्धारित डेट के समय में उसने यदि पैसा पेड कर दिया तो ये जो आपका विक्रय है, जो ये ऑस्टेंसिबल सेल हुआ था, यानी जो दिखावटी का जो सेल हुआ था, दिखावटी का जो विक्रय हुआ था, वो वहीं पर वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब शून्य हो जाएगा, जो इनके मध्य जो खरीदी बिक्री हुई थी वो शून्य हो जाएगा। पैसा पेड होने के पश्चात जो इनके मध्य जो बिक्री हुई थी, सेल हुआ था, जो विक्रय हुआ था ऑस्टेंसिबल वाला, वो वहीं पर वॉइड यानी शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये मॉर्गेजर अगर इस प्रॉपर्टी का जो है, इस प्रॉपर्टी के एवज में जो उसने पैसा लिया था, उसे देने में वो असफल हो जाता है निर्धारित तिथि के समय तक, तो ये जो विक्रय है, ये विक्रय कैसा था, ऑस्टेंसिबल था, तो ये ऑस्टेंसिबल विक्रय यहां पे देखिएगा एब्सोल्यूट विक्रय में, एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा।
किसमें? एब्सोल्यूट सेल में, यानी ऑस्टेंसिबल सेल जो कि दिखावटी का जो बिक्री था वो अब एब्सोल्यूट सेल यानी पूर्णतः बिक्री या पूर्णतः विक्रय में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जो इनके मध्य जो खरीद जो आपका विक्रय हुआ था, जो सेल हुआ था, जो दिखावटी था, वो अब पूर्णतः बिक्री या पूर्णतः विक्रय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारे इंडिया में ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, लेकिन टाइप्स में याद रखिएगा, मैं बताऊंगा हमारे इंडिया में कौन कौन सा टाइप्स लागू होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑस्टेंसिबल सेल यानी दिखावटी का एक बिक्री हो जाता है, अगर निर्धारित तिथि तक वह पैसा दे देता है तो जो इनके मध्य जो बिक्री हुआ है, जो इनके मध्य आपके प्रॉपर्टी का जो सेल हुआ है, वो वहीं पर वॉइड यानी शून्य हो जाएगा। यदि उसने पैसा देने में असमर्थ रहा या असफल रहा या फेल होता है, तो उस कंडीशन में ये जो आपका ऑस्टेंसिबल सेल है यानी जो दिखावटी का आपका बिक्री हुआ है, वो आपका एब्सोल्यूट सेल यानी पूर्णतः बिक्री में परिवर्तित हो जाएगा, यानी उसका मालिक कौन बन जाएगा? मॉर्गेजी। ठीक, नेक्स्ट है आपका भोग बंधक या यूजुफैक्चुअली मॉर्गेज, इसको हिंदी से याद रखिएगा। भोग, भोग का मतलब क्या होता है? उपभोग। उपभोग मतलब स्वयं के लिए यूज करना, भोग मतलब स्वयं के लिए यूज करना। देखिए इसमें क्या है, ये जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का, देखिए अपने प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफर कैसे करता है, देखिए ये एक प्रिंसिपल अमाउंट लेता है मॉर्गेजी से, मॉर्गेजी से यह एक प्रिंसिपल अमाउंट लेता है उसके एवज में जो उसकी प्रॉपर्टी है। इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लीजिए ये जो आपका मॉर्गेजर है, इसके पास तीन दुकान है, तीन दुकान से इसे हर महीने का किराया मिलता है, मतलब रेंट, एक रेंट मिलता है इसे हर महीने का तीन दुकान से। तो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के मध्य एक मॉर्गेज डीड तैयार होता है जिसके जिसमें एक स्पेसिफाई टर्म्स स्पेसिफाई किए जाते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उससे मिलने वाला रेंट, मिलने वाले रेंट से ये या तो प्रिंसिपल अमाउंट वसूल कर सकता है या तो उस रेंट को एज अ इंटरेस्ट भी रख सकता है। कौन? मॉर्गेजी। मान लीजिए मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन अब एक प्रिंसिपल अमाउंट उसने ले लिया, लेकिन अभी जो मॉर्गेजी है एक समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी लेगा प्लस इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक, यानी ब्याज भी लेगा, प्रिंसिपल सम भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा, यानी ब्याज के साथ मूलधन और ब्याज दोनों लेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, वो इससे पैसा डायरेक्ट नहीं लेगा, इसकी जो संपत्ति है, इसकी संपत्ति से होने वाला जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, तो देखिए उसको मैं रेंट करके ही बता रहा हूं, तो इसके जो प्रॉपर्टी से इसके प्रॉपर्टी से होने वाला जो प्रॉफिट है यानी एज अ रेंट, जो भी इसमें जो किराया वो वसूली करेगा, उस किराया को वह मूलधन के रूप में भी रख सकता है या ब्याज के रूप में भी रख सकता है। यानी तुम जब कभी भी मुझे भविष्य में मेरा पूरा का पूरा पैसा लौटा दोगे, तब तक के लिए मैं तुम्हारे दुकान का जो किराया है उसे मैं वसूलूंगा। ठीक, या प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल सम और आपका इंटरेस्ट यानी मूलधन और ब्याज मिलाकर के जितना भी अमाउंट होता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जब तक मैं वसूल नहीं लेता, तब तक इस दुकान का किराया मैं वसूलूंगा। तो ये होता है आपका भोग बंधक या यूजियो फैक्ट्री मॉर्गेज। ठीक, इसे दुकान वाले एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को प्रॉपर्टी के एवज में अगर कुछ पैसा देता है, तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ ब्याज लेगा, तो इस दुकान से वो किराया वसूलेगा। किराया दो प्रकार से वसूल सकता है, यानी मूलधन और ब्याज मिला के जितना भी अमाउंट हो रहा है, तो वो अमाउंट जब तक वह वसूल नहीं कर लेता, तब तक वो इसका रेंट कलेक्ट करते रहेगा, या फिर दोनों के मध्य मॉर्गेज डीड में एक एग्रीमेंट ये हो जाएगा कि तुम जब तक मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर देते, तो उसके इंटरेस्ट के रूप में मैं इससे होने वाला जो प्रॉफिट है यानी जो रेंट है से मैं रखूंगा। ठीक, तो ये तीन पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश मॉर्गेज। अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश मॉर्गेज इसमें कैसा होता है, देखिए मॉर्गेजर जो है यानी जिसको पैसे की आवश्यकता है, वो अपने प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर, वर्ड समझिएगा, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, पूर्णतः ट्रांसफर कर देता है। किसे? मॉर्गेजी को। पूर्णतः ट्रांसफर कर देता है मॉर्गेजी को, बट उसमें एक प्रोविजो, एक नियम या एक प्रावधान के साथ। क्या प्रावधान रहता है कि यदि उसने निर्धारित समय में अपना जो पैसा है, जो उसने पैसा उधार लिया है, यदि वह निर्धारित समय में अगर उसे पटा देगा, उसे चुका देगा, तो उस कंडीशन में
वो जो आपका मॉर्गेजी है वो उसकी प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट वापस ट्रांसफर कर देगा। देखिए, उधार लेते समय मॉर्गेजी ने एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया, सॉरी मॉर्गेजर ने एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया था किसको, मॉर्गेजी को। लेकिन जब वह पैसा दे देगा एक निर्धारित समय में, तो ये जो मॉर्गेजी है ये भी इसे वापस एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेगा, यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन के साथ। इसमें याद रखिएगा, हमारे इंडिया में ये आपका इंग्लिश मॉर्गेज लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेशों में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई पैसा, यानी किसी से पैसा उधारी चाहिए, तो उसके एवज में आपको अपनी प्रॉपर्टी पूरे रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्री करा करके उसको, जिससे आप पैसा उधार ले रहे हैं उसके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक प्रोविजन रहता है, एक प्रावधान रहता है कि यदि उसने उस निर्धारित समय में पैसा अगर दे दिया, तो उस कंडीशन पे इस मॉर्गेजी को वापस पूरे के पूरे उसी डॉक्यूमेंटेशन यानी रजिस्ट्री के साथ इस मॉर्गेजर को अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी हुई थी, उसे वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन यदि कंडीशन आता है कि वो जो है मॉर्गेजर जो है वो पैसे देने में असफल हो जाता है या फेल हो जाता है, तो ये जो है प्रॉपर्टी वो तो पहले से ही एब्सोल्युटली सेल हो चुकी थी, यानी ऑलरेडी मॉर्गेजर ने पहले से ही उसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा दिया था, पहले से ही जो ट्रांसफर है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो चुका था। तो यदि वो असफल हो जाता है तो जो आपका मॉर्गेजर है वो उसका मालिक पहले से ही बना हुआ है, लेकिन वो निर्धारित तिथि यानी एक स्पेसिफाइड डेट का इंतजार कर रहा था, अब इस डेट के पश्चात वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। यानी इनके मध्य जो खरीदी हुई है, खरीदी तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, जिस समय उसने उधारी दिया था उसी समय दोनों के मध्य खरीदी हो चुकी थी, प्रॉपर्टी पूरे के पूरे इस मॉर्गेजी के नाम हो चुका था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो बेच नहीं सकता था। प्रॉपर्टी का मालिक बन गया था लेकिन प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता था। अगर उसने दिए गए एक स्पेसिफिक डेट यानी एक निर्धारित तिथि तक पैसा यदि उसने नहीं दिया, यानी पैसा देने में असफल हो गया, उसके बाद वह प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन यदि वह पैसा दे देता है तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन यानी पूरे रजिस्ट्री करा करके इसे वापस इसके नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, हमारे इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, हिंदी में समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, इसे इंग्लिश में समझिएगा। देखिए, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अभी टाइटल डीड्स क्या होता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा यह घर है, घर ये मेरे नाम पे है, समझ लीजिए मैं इस घर का मालिक हूँ, यानी इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर है। अब यदि मेरे को कुछ पैसा उधार चाहिए तो मैं अपने इस घर के कागजात को गिरवी रख करके पैसा ले सकता हूँ। पुराने पिक्चरों में आप बहुत देखे होंगे, पुराने पिक्चरों में साहूकार के पास जाता है एक व्यक्ति, अपना पूरा का पूरा जो जमीन है उसके कागजात के एवज में, अपने कागजात को गिरवी रख करके, घरों के जमीन जायदाद के कागजातों को गिरवी रख करके उसके एवज में वो पैसा लेता है। ठीक, तो वही है ये हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स मतलब जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, टाइटल मतलब आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कागजात, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स को आप जमा करके, गिरवी रख करके उसके एवज में आप पैसे ले सकते हैं। देखिए, ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में है ये वाला टाइप्स। देखिए, शुरुआती दौर पर ये आया कब है, आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया, तो उस समय आपका ये कलकत्ता मद्रास और बम्बई के अंतर्गत आने वाले शहरों में ये आपका लागू था। देखिए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के समय, उस समय बम्बई में मुंबई भी आता था और आपका गुजरात, पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिलाकर बम्बई बोलते थे। तो उस समय के बम्बई में जितने भी शहर आते थे, उन सारे शहरों में, मद्रास के अंतर्गत जितने शहर आते थे, कलकत्ता के अंतर्गत जितने शहर आते थे, उन सारे शहरों को यह कवर करता है। आज के डेट में भी उस समय के कलकत्ता मद्रास और बम्बई के अंतर्गत जितने शहर अभी वर्तमान में शामिल है उनमें यह अभी भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिन राज्यों के स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करके इसे एप्लीकेबल बताया गया है, उन राज्यों के भी शहरों में ये वैलिड होगा। ठीक,
देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब ये जितने भी टाइप्स देखेंगे, इस टाइप्स के अंतर्गत आपको एक मॉर्गेज डीड तैयार करना पड़ता है, मॉर्गेज डीड तैयार करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करके ट्रांसफर कराना पड़ता है, रजिस्ट्री करके वापस करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये काफी लंबा प्रोसेस है। यदि आप पूरे के पूरे कानूनी जो है, यदि आप पूरे नियम कानून से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो काफी समय लगता है। लेकिन क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अर्जेंट में पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो उस कंडीशन में अपने प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है उसको गिरवी रख करके उसके एवज में पैसा ले सकता है। इसका एग्जांपल आपके आंखों के सामने कई पुराने पिक्चरों में आप देख सकते हैं, जहां पे एक साहूकार के पास किसान जाकर के अपनी पूरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, उसके एवज में वो पैसा ले लेता है। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में प्रचलन में यही है। देखिए अब आपको बता देता हूं हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन कौन सा है। एक आपका ये है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, दूसरा आपका सिंपल मॉर्गेज, और तीसरा है आपका ये यूजियो फैक्ट्री मॉर्गेज। देखिए सादा बंधक, भोग बंधक और हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, ये तीन हमारे इंडिया में प्रचलित है। इंग्लिश मॉर्गेज यानी अंग्रेजी बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक यानी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, और ये आपका विलक्षण बंधक, ये हमारे इंडिया में कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए ये विलक्षण बंधक क्या होता है, यानी एनोमियस मॉर्गेज। देखिए ये क्या होता है, जो बाकी मॉर्गेज में कवर ना हो, यानी जो आपका ये है सिंपल मॉर्गेज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये पांचों के अंतर्गत जो चीजें कवर नहीं हो पाती उसे कवर करता है आपका विलक्षण मॉर्गेज, सॉरी विलक्षण बंधक। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, विलक्षण बंधक या एनोमियस मॉर्गेज ये कवर करता है, जो बाकियों में कवर नहीं हो पाता उसे कवर करता है आपका विलक्षण बंधक। ठीक, यानी ये क्या हो सकता है, ये जो आपके बाकी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, किसी भी दो टाइप्स का ये मिक्सचर हो सकता है, जैसे सिंपल मॉर्गेज और यूजियो फैक्ट्री मॉर्गेज। ये क्या होता है, जैसे सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो होती नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से जो होने वाला प्रॉफिट है उसे ले सकते हैं। यानी दो प्रकार के आपका ये जो बंधक है, यानी जो दो प्रकार के आपके मॉर्गेज का टाइप है उसका कॉम्बिनेशन होता है आपका विलक्षण बंधक या एनोमियस मॉर्गेज। ठीक, तो इतने सारे टाइप्स इसमें कहाँ लागू होता है, इसका इसमें किसका ट्रांसफर होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारे के सारे कवर होते हैं आपके सेक्शन 58 के अंतर्गत। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा किसके लिए होता है, ये स्थावर संपत्ति के लिए, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत इसमें हितों का अंतरण, ठीक, इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, इसे याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेक्शन 58 कंप्लीट। सेक्शन 59, देखिए सेक्शन 59 के अंतर्गत बताया गया है सेम, यदि 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी है तो 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी के कंडीशन में आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी लिखित और हस्तांतरण पत्र के माध्यम से आपका प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा उसमें दो विटनेस का होना जरूरी है, अटेस्टेड यानी एग्जीक्यूटर नोटरी के द्वारा जो अटेस्टेड होता है अटेस्टेड होना जरूरी है। लेकिन ये जो सेक्शन 59 में ये भी स्पेसिफाई किया गया है, जो इसके 6 प्रकार हैं, 6 में से 5 प्रकार में ये एप्लीकेबल है, लेकिन टाइप नंबर 5 को छोड़कर, टाइप नंबर 5 मतलब मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इस कंडीशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो बाकी के 5 कंडीशन है, जो बाकी के 5 टाइप है, उस 5 टाइप में आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है, 2 विटनेसेस का होना जरूरी है, और आपका अटेस्टमेंट होना यानी नोटरी के द्वारा जो अटेस्टेड कराया जाता है तो अटेस्टेड होना जरूरी है। ठीक, देखिए तो सेक्शन 59, बाकी के जो सेक्शन है वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। देखिए सेक्शन नंबर 70 यानी धारा 70 में क्या बताया गया है, बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि यानी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में एक्सेशन या मॉर्गेज प्रॉपर्टी में यदि कोई एक्सपांडेशन होता है, जैसे समझ लीजिए आपने जो है एक जमीन है, खाली जमीन, उस जमीन पे कुछ भी नहीं बना है, खाली जमीन को गिरवी रख करके उसके एवज में आपने पैसा लिया, ठीक, और उसमें एक डेट स्पेसिफाई कर दिया कि इस डेट तक यदि मैं पैसा नहीं दे पाया तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। लेकिन समझ लीजिए उस निर्धारित तिथि से पहले ही आपने उस खाली जमीन पर एक मकान बना दिया, लेकिन अब देखिए डील क्या हुई थी, वो खाली जमीन को आपने गिरवी रखा था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, उस खाली जमीन पर मकान बना दिया, तो उस कंडीशन में आपका धारा 70 सेक्शन 70 ये बोलता है कि जो बंधक संपत्ति में यदि किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि की जाती है
तो उस कंडीशन में ये जो मॉर्टगेजी है जिसके पास आपने जमीन गिरवी रखी है तो उसमें किसी भी प्रकार की यदि अभिवृद्धि की जाए तो उसका भी ऑटोमेटिकली वो मॉर्टगेजी हकदार हो जाएगा, यानी जिसके पास आपने गिरवी रखा है उस वो जो गिरवी रखने वाला है वो ऑटोमेटिकली उस संपत्ति के ऊपर बनने वाले कोई भी और प्रॉपर्टी है उसका वह ऑटोमेटिकली मालिक बन जाएगा। यानी आपने खाली जमीन को गिरवी रखा था, अब उस खाली जमीन के ऊपर आपने एक मकान एक घर खड़ा कर दिया तो वो घर भी ऑटोमेटिकली गिरवी में चले जाएगा। ये सेक्शन 70 में बताया गया है। सेक्शन 71 बंधक संपत्ति पट्टा नवीनीकरण। बंधक संपत्ति पट्टा नवीनीकरण देखिए, इस पट्टे को आप गवर्नमेंट जो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत से लोगों को पट्टे पे जमीन दे करके रखिए उससे रिलेट मत कीजिएगा। सरकार द्वारा जो पट्टा अलॉट किया जाता है आप उसे किसी भी प्रकार का खरीद फिरोध नहीं कर सकते। जो प्राइवेट तरीके से जो लीज पे जो जमीन दी जाती है उस कंडीशन की इसमें बात हो रही है। बंधक संपत्ति पट्टा नवीनीकरण, मान लीजिए कोई एक पट्टे की जमीन है, उस पट्टे की जमीन को आपने गिरवी रख करके उसके एवज में पैसा लिया है, ठीक, लेकिन एक निर्धारित समय में आपने पैसा वापस देने का उससे एग्रीमेंट किया है, लेकिन उससे पहले ही ये जो पट्टे की अवधि है जो लीज का जो डेट है वो एक्सपायर हो गया, अब आप पट्टा का नवीनीकरण करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आपने पट्टे का नवीनीकरण कराया है तो उस नवीनीकृत पट्टा यानी जो पट्टे को आपने रिन्यूअल कराया है तो वो नवीनीकृत पट्टे का भी ऑटोमेटिकली उसका भी जो हित है जिससे आपने गिरवी रखा यानी मॉर्टगेजी भी इस नवीनीकृत पट्टा में शामिल हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, आपका यदि जो पट्टा है जो लीज की जो जमीन है वो एक्सपायर हो गई और आप पट्टा को नवीनीकरण करा करके फिर से अपने नाम पर कर रहे हैं तो उस नवीनीकृत पट्टे का हकदार भी ये मॉर्टगेजी होगा। मॉर्टगेजी मतलब कौन, जिसके पास आपने जमीन गिरवी पर रखी है वो ऑटोमेटिकली उसका हकदार उस नवीनीकृत पट्टे का भी ऑटोमेटिकली हकदार बन जाएगा। सेक्शन 71 में बताया गया है, ठीक। अब बाकी के आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए हमने शुरू में एक बात किया था चार्जेस, चार्ज क्या होता है, भार क्या होता है। सेक्शन 100 के अंतर्गत आपके भार या चार्ज के बारे में बताया गया है। पहला चीज़ तो याद रखिएगा, भार या चार्ज ये मॉर्टगेज नहीं होता। मॉर्टगेज के अंतर्गत उधार लिया जाता है लेकिन भार किसी भी प्रकार का उधार नहीं होता। उधार नहीं होता तो क्या होता समझिएगा, इसको भी एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, उसे समझना, अच्छे समझना मालूम चल जाएगा, फिर बताऊँगा कि लिखा क्या है इसमें। देखिए भार या एक्सचेंज, मान लीजिए जैसे अभी के समय में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि पिता के संपत्ति में पुत्र के साथ साथ पुत्री का भी अधिकार होगा, यानी बेटे के साथ साथ बेटी का भी संपत्ति में बराबरी का अधिकार होगा। लेकिन बेटी क्या करती है कि अपने जो है समझ लीजिए भाई बहन है तो दोनों के मध्य प्रॉपर्टी का पिता के संपत्ति में समान तरीके से बंटवारा होगा, लेकिन बहन क्या करती है एक नैतिकता मोरल नैतिकता के कारण अपने भाई के हक का हिस्सा वह लेती नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियों की तो शादी दूसरे जगह हो जाती है, तो एक नैतिकता के कारण वो जो संपत्ति है अपने पिता के संपत्ति में किसी प्रकार का हिस्सा लेती नहीं है, वो अपने भाई को पूरी की पूरी संपत्ति का हकदार बना देती है। लेकिन मान लीजिए कभी से बहन के मन में लालच आ गया कि नहीं, अब उसके पिता के पास 10 दुकान है, 10 दुकान से हर महीने का उसे 20,000 रुपये रेंट मिलता है, तो अब बहन नैतिकता के कारण तो भाई से भाई के साथ जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदारी तो नहीं लेना चाहती, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक लालच है कि उस प्रॉपर्टी से इतना इतना पैसा आ रहा है, ठीक। तो यानी उसका एक लालच भी जुड़ा हुआ है और दूसरा एक नैतिकता भी है कि मैं अपने जो भाई है उसके पास से हिस्सा नहीं ले सकती। गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि भाई और बहन दोनों का समान अधिकार है। देखिए तो इस कंडीशन में भाई बहन आपस में एक डील कर सकते हैं, वो डील कवर होता है सेक्शन 100 के अंदर। यानी जैसे समझ लीजिए उसके पिता के पास 10 दुकान है, 10 दुकान से उसे हर महीने का मंथली बेसिस पे 20,000 रुपये किराया आता है, तो ये भाई बहन आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इससे होने वाला जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में मैं तुझे एज अ चार्ज हर साल का ईयरली बेसिस पे 50,000 रुपये दूंगा। पिता की संपत्ति पे हक न लेने के एवज में, पिता की संपत्ति का शेयर न लेने के एवज में मैं तुझे हर साल का 50,000 रुपए इस प्रॉपर्टी का एज अ चार्ज पे करूंगा। मतलब समझ रहे हैं, देखिए 20,000 रुपए मंथली आता है, यानी साल भरे का देखें यानी 12 मंथ का देखेंगे तो कितना कलेक्ट होता है, 2,40,000 रुपए इकट्ठा होता है 10 दुकान का किराया, तो उस 2,40,000 रुपए ईयरली में से 50,000 रुपए मैं तुझे सालाना
पे करूंगा। तो उसकी बहन का चार्ज जुड़ गया है इसकी प्रॉपर्टी से, तो यही कवर करता है सेक्शन 100। देखिए उसमें किसी भी प्रकार का, भाई ने बहन से किसी प्रकार का उधारी लिया है क्या? नहीं लिया है, यानी वो किसी भी प्रकार का मॉर्गेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पे करना पड़ रहा है। ठीक, इसे एग्जांपल समझना। देखिए अगर इसको मैं जो आपका इस सेक्शन के अंदर जो कवर हुआ है उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए यदि आप किसी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो आपको मालूम होगा कि यदि आपने किसी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा दी तो वो उसका पूरी तरीके से मालिक हो जाता है। अब आप, आपके मध्य, आप जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के मध्य ये डील हुआ कि ठीक है तुम मेरे नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा दो, मैं तुमको कुछ समय बाद पैसे दे दूंगा। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद सामने वाला व्यक्ति पैसे देने से मुकर गया, लेकिन रजिस्ट्री तो हो चुका है, वो तो स्वामी ऑलरेडी बन गया है, लेकिन पैसा देने से ये मुकर गया, जिसके नाम पे आपने रजिस्ट्री कराई है वो पैसा देने से यदि मुकर गया तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक चीज कर सकते हैं, इस सेक्शन 100 के अंतर्गत कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में आपका एक चार्ज जुड़ जाएगा। मुझे मालूम है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेम लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसके अंतर्गत। इसे आप भाई बहन वाले एग्जांपल समझेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो सेक्शन 100 जो कि किसी भी प्रकार का मॉर्गेज नहीं है, ये एक भार है, भार का एग्जांपल भाई बहन वाले एग्जांपल से याद रखिएगा, सेक्शन 100 के अंतर्गत उसे कवर किया गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 104, धारा 104। धारा 104 के अंतर्गत आपके न्यायालय की इस अध्याय यानी जो आपका चैप्टर 4 है, इस अध्याय से संबंधित शक्तियां बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य सरकार के जो उच्च न्यायालय है, राज्य सरकार के उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय इस अध्याय में उपबंधित प्रावधान पर समय समय पर नए नियम बना सकते हैं, यानी इस अध्याय में जो जो प्रोविजन दिए गए हैं उस प्रोविजन से रिलेटेड नए नए नियम जो है आपके राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय बना सकते हैं। ठीक, तो सेक्शन 104 यहां कंप्लीट। तो ये सारे के सारे जो है आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये पूरा का पूरा आपका यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके दो वीडियो में मेरे हिसाब से आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद टोटल आपके 8 चैप्टर है, 8 में से 4 हम कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर, उसके बाद वाले वीडियो में 2 चैप्टर, इस तरीके से पूरा 8 चैप्टर कवर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट दो वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीट। ठीक, कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं क्या शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो कुछ लोग का ये कहना है कि थोड़ा जो इसमें डिटेल जो एक्चुअल वर्ड यूज हुआ है उससे रिलेटेड PDF थोड़ा प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर किया है उससे रिलेटेड अभी फिलहाल PDF बना रहा हूँ, बन जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।